नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है MPBSC नर्सिंग की जो है काउंसलिंग चल रही है। और फ्रेंड्स, 5 तारीख को जो है इसके अलॉटमेंट आएंगे, यानी कि 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है कौन सा कॉलेज जो है मिला है या फिर नहीं मिला है। फ्रेंड्स, जब आप उसके बाद आपके एडमिशन जो है होंगे, जब एडमिशन फ्रेंड्स होंगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। उन्हीं डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन डॉक्यूमेंट को जो है पहले से ही तैयार कर लें, नहीं तो दोस्तों आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए फ्रेंड देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप लिखते चलें। यदि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस डॉक्यूमेंट को बनवा लें, नहीं तो आपको एडमिशन के टाइम पर काफ़ी समस्या हो सकती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, पहला एक डॉक्यूमेंट है MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग लॉकिंग रिसिप्ट, यानी कि आपने जब चॉइस फिलिंग की है तो उसकी एक रिसिप्ट, ठीक है, MP ऑनलाइन द्वारा जारी आवंटन पत्र, PNST 2020 उत्तीर्ण अंक सूची, PNST एडमिट कार्ड की छाया प्रति, 10वीं की उत्तीर्ण मूल अंक सूची, 12वीं पास की मूल अंक सूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लग रहा है तो, आय प्रमाण पत्र यदि लग रहा है तो, पासपोर्ट फोटो 5, मेडिकल प्रमाण पत्र, यदि गैप सर्टिफिकेट है, आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन लगेगा, 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा का अनुबंध 2 लाख रुपये, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो लगेंगे, और इसमें दोस्तों स्पष्ट लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट रिकॉर्ड हेतु जमा कर लिए गए हैं। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिए पात्र है, अथवा निम्न अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिए अपात्र है। तो